इस शुक्र शनि केतु को अच्छा कैसे करें, धन कैसे कमा सकती है, उसके लिए आपको चालाक बनना होता है। आपको अपना फायदा और नुकसान पता होना चाहिए, कहां से कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान बनेगा। लेकिन अपने ऊपर, दिल के ऊपर अपनी ड्यूटी की ईमानदारी से करेंगे, किसी को लूटेंगे खसूटेंगे नहीं, तब चालाकी अच्छी है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर भगवान चालाक ना होते तो राक्षसों को हरा पाते, वो चालाक है तो राक्षसों को हराया। इसी प्रकार से आप भी भगवान बनने की कोशिश करें, राक्षस बनने की कोशिश ना करें, पर चालाकी अंदर लाए। और वो चालाकी लाने का तरीका आज आपको बता रहा हूँ, और वो क्या है, घर की सबसे पहली रोटी जो बनती है वो उतार के रख लो, और उसके बाद जब आप सारे मेंबरों को वो रोटी बांट देते हो, खा लेते हैं सब, उसके बाद वो रोटी उठाओ, उसका आधा हिस्सा करके जाके गाय को दो, आधे से आधा कुत्ते को दो, आधे से आधा कौवे को दो। आप इसकी थ्योरी सुन लीजिए, गाय को जब आप आधी रोटी देने जाती हो, उसके सर पे हाथ भी फेरोगे, उसके अंदर शुक्र की वो ऊर्जा है, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी जानवर गाय जैसा और दिखा दो, जिसके दूध के अंदर इतनी ताकत हो, जिसके गोबर के अंदर, आपको पता है गाय के गोबर के अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ता। हमारे यहाँ रसोइयों के अंदर गाय के गोबर का लेप किया जाता था, वो इसलिए नहीं कि पता नहीं क्या उसके अंदर साइंस थी, कि गाय के गोबर के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर चढ़ता ही नहीं है, ये रीजन है, समझे। उसकी वजह से गाय के गोबर का लेप हमारे यहाँ रसोइयों में किया जाता था कि खाना शुद्ध रहेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसका मूत्र, उसकी तो आपने क्वालिटी सुनी रखी है, लोग गौमूत्र तक पीते हैं, अंदर से बीमारियों को खत्म करता है, और उसके कुल शरीर में से जो ऊर्जा निकलती है, जो मियाँ बीवी का सुख भोगने वाला, जो टारगेट को अचीव करने के लिए सोच को एनहेंस करने वाला और सोच के अंदर जोश पैदा करने वाला जो गुण है ना, वो सिर्फ गाय में है। इसीलिए आज की डेट में योगी जी छाए हुए हैं, क्योंकि वो गायों की बहुत सेवा करते हैं, और उसके अंदर उनके अंदर जोश कितना है, बाबा रामदेव भी ये सारे प्रोडक्ट एग्जैक्टली ये कर रहे हैं। तो अब ये चीज़, गाय के पास से ये ऊर्जा ले ली आपने, फिर दूसरी ऊर्जा, आधी से आधी कुत्ते को, कुत्ते के अंदर 100% वफादारी का गुण है, कुत्ता इमीडिएटली पहचानता है कि कौन बदनीति का है, कौन अच्छी नीयत का है, कुत्ता सूंघ ही कर देता है, और जो सबसे बड़ी बात, वो यम की आहट को भी पहचान लेता है, ये कुत्ते के अंदर गुण होता है। तो ये वाली ऊर्जा की क्या आपको जरूरत नहीं है कि आप दुश्मन को पहचान सको और सामने वाले के भाव को पढ़ने की कला आपके अंदर आ जाए। ये भाव को पढ़ने वाली जो कला है, ये कुत्ते की शरीर में से निकलने वाली ऊर्जा जब आप सूंघते हो तब आप में पैदा होती है। इसीलिए अमीरों के घरों में जाके देखो कितने कितने कुत्ते हैं, और कुत्तों को बच्चे से ज़्यादा अच्छी तरह रखते हैं, कोई कमी नहीं करते, इसलिए वो अमीर हो गए। तीसरा, कौवा, धरती के ऊपर कौवे से चालाक जानवर कोई नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है। लोमड़ी तो चालाक मानी गई ना, लोमड़ी उससे 10% में नहीं कौवे से, कौवा इतना। और ऊपर से कौवे की जो सबसे बड़ी खासियत, कभी तुमने अपने जीवन काल में तेरे मम्मी ने, तेरे पापा ने, तेरे दादा दादी ने, बेटा कभी कौवा मरा हुआ देखा? कभी नहीं देखा होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई कहता 12 साल की उम्र है, कोई कहता 35 साल की उम्र है, नहीं बेटा, कौवे की उम्र सैकड़ों सैकड़ों साल होती है, मरता नहीं है। और इसमें परमात्मा ने उनको गुण ऐसा दिया है कि चलाकी और फुर्ती उनकी रग रग में है, गुस्सा रग रग में है, अपनी चीज को हक से हासिल करना और जो उनके खिलाफ गया उसको सजा देने का उनमें इतना जबरदस्त गुण है। आप एक बार कौवे को मार के देख लो, आपके घर का पीछा नहीं छोड़ेंगे कौवे, और सारे कौवे मंडरा के वहां इकट्ठे हो जाएंगे, ये वाले उनके अंदर गुण है। ये जो विल पावर, इकट्ठे होकर के रहना, अपने अंदर चालाकी भी पैदा करके रहना, किसी के आगे हार ना मानने का गुण, आप कौओं को रोज कुछ खिलाओगे तो तभी ये गुण आपके अंदर आएंगे। तो वफादारी भी, जोश भी, ताकत भी, चालाकी भी, ये सारे गुण शुक्र शनि और केतु देता है, और इनको ये एक रोटी देने से घर की अगर गृहिणी ये डालने गई, वो ये इनकी ऊर्जा लेके आएगी, ये ऊर्जा लेकर के आएगी अपने घर के अंदर जो मेंबर रह रहे उनके अंदर, वो एक एक टुकड़ी अपने आप बढ़ जाएगी उनके और मंडल में, और सबको उसका फल। तो क्या इस उपाय को हर दिन करना है, मतलब हर रोज करना है इसे? और ये दो उपाय जो हर रोज करता है, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप वॉच करके देखिए, ये भी रिसर्च का विषय है, कि जो ये उपाय करता है उसकी कुंडली कैसी भी हो,
बेटा उसको हर साल उसके सुखों की, दिमाग की और उसके पराक्रम की बढ़ोतरी होती चली जाएगी और वो बीमार कभी नहीं होगा।